दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय गौरव कलश। तुमसर मोहाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजू कारेमोरे की नए साल की पूर्व संध्या पर मोहाड़ी थाने पहुंचकर और अपशब्द और हंगामा किया था। इसके लिए उन्हें जेल में भी रात बितानी पड़ी। उनकी जमानत अर्जी पर आज 15 जनवरी भंडारा सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने पुलिस को अपनी बाजू रखने के लिए 19 जनवरी तक का समय दिया है। विधायक कारेमोरे को अब 19 जनवरी तक अंतरिम जमानत पर रहना होगा। इन चार दिनों की तैयारी के बाद भंडारा पुलिस 19 तारीख को अपनी बाजू रखनी है। कोर्ट इसे सुनने के बाद ही फैसला देगी। तब तक कारेमोरे को राहत नहीं मिलेगी। विधायक राजू कारेमोरे की ओर से एडवोकेट किशोर लांजेवार और एडवोकेट सोनाली औचट ने अपनी बाजू रखी, जबकि भंडारा पुलिस की ओर से एडवोकेट भोले एवं एडवोकेट टवले ने अपनी बाजू रखी। नए साल की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर की रात करीब 9 बजे अपने कारोबारी दोस्त की पिटाई के बारे में पूछने थाने गए विधायक कारेमोरे ने थाने में जाकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तब उनकी हर स्तर पर आलोचना हुई थी। घटना के 3 दिन बाद सभी कानूनी मामलों को पूरा करने के बाद भंडारा पुलिस ने विधायक राजू कारेमोरे को मोहाड़ी थाने में धारा 353, 354, 294, 504, 506, 143, 147, 149, IPCR W 135 मुंबई पुलिस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। विधायक कारेमोरे को पहले मोहाड़ी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। मोहाड़ी अदालत ने उन्हें 15 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसमें उस पर लगाए धाराओं के कारण उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि विधायकों के वकीलों ने उसी दिन तत्काल भंडारा जिला सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया था। तब विधायक को 3 जनवरी को अंतरिम जमानत दी गई थी। हालांकि भंडारा पुलिस को रात भर विधायक राजू कारेमोरे को जेल प्रशासन के हवाले करना पड़ा और जमानत की प्रमाणित प्रति मिलने में देरी के कारण उन्हें 3 जनवरी की रात जेल में काटनी पड़ी। राजू कारेमोरे 12 घंटे जेल में बिताने के बाद 4 जनवरी को रिहा हुए थे। भंडारा सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 जनवरी तक अंतरिम जमानत दी थी। अब उन्हें फिर से 19 जनवरी तक इंतजार करना होगा। आपके अपने चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले।